मैं देवराज इंद्र को दैत्यों से मित्रता का पाठ पढ़ाने में निष्फल रहा हूं। मुझे क्षमा कर दे शिव शंकर, मैं बहुत लज्जित हूँ भोलेनाथ। देव गुरु, दैत्य गुरु भी इस समय आप ही के समान प्रयास विफल होकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। भोलेनाथ, इस प्रयास को तो असफल होना ही था। अर्थात स्वामी, सृष्टि रचना के समय ब्रह्मा जी ने आप ही के आदेश पर दानव, मानव एवं देवताओं की रचना अलग अलग तत्वों से की थी। ये बात आपको भली भांति विदित है। इसके उपरांत भी आपने देव दानवों में मित्रता का प्रयास किया, ये बात हमारी समझ से परे है। देवी, जो होना था उसे होने देना ही हमारा उद्देश्य था। किंतु इसका लाभ क्या होगा स्वामी? ये क्षणिक लाभ का नहीं, दूरगामी लाभ का विषय है देवी। इस प्रयास के पश्चात ही बृहस्पति एवं शुक्राचार्य के मध्य वो कटुता नहीं रहेगी जिसके कारण आज से पूर्व देव दानवों के संघर्ष को मार्गदर्शन मिलता था। निस्संदेह स्वामी, ये एक महान सफलता है। भविष्य में देव दानव संघर्ष का स्वरूप इन दोनों के योगदान बिना कुछ और होगा। नारायण नारायण, ओम नमः शिवाय। प्रणाम भोलेनाथ, प्रणाम माता। कहो नारद, क्या समाचार लाए हो? भोलेनाथ, दैत्यराज महासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण आदेश अपने असुर सेना को दे दिया है। देवराज इंद्र भी अपनी देव सेना के साथ युद्ध भूमि में पहुंच गए हैं। अब देव दानव संग्राम अनिवार्य है। अब आप दोनों का कर्तव्य पुनः निर्धारित हो गया। अब आप दोनों अपने अपने स्थानों पर जाकर अपने विवेक से निर्णय लें। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, हमारी मित्रता अभी एक शिशु के समान है, किंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी ओर से आपके प्रति कोई शत्रुवत कार्य का व्यवहार नहीं। देव गुरु बृहस्पति, मैं भी आपको यही आश्वासन देता हूं। ओम नमः शिवाय। वीर शिरोमणि दैत्यराज महासुर की जय। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय। वीर शिरोमणि दैत्यराज महासुर की जय। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय। देवराज इंद्र, निस्संदेह तुम देवराज हो, किंतु युद्ध कौशल में तुम निर्बल और भीरु हो। महासौर, वीर अशुभ वाणी का प्रयोग नहीं करते, वीरता दिखाते हैं। संग्राम चिल्लाने से नहीं, शक्ति प्रदर्शन से होता है। इंद्र, आज तक तुमने युक्ति प्रयुक्ति से हम दैत्यों पर विजय पाई है। अग्निदेव, वरुण देव, वायुदेव, इनकी सहायता से केवल अग्नि, वायु और जल से पीड़ा पहुंचाई है। ऐसी युक्ति प्रयुक्ति का प्रयोग मेरे साथ न करें। केवल अस्त्र शस्त्र से ही जैसा एक वीर योद्धा को शोभा दे वैसा संग्राम करें। अवश्य महासुर, अवश्य। हम एक शक्तिशाली की भांत ही संग्राम करेंगे, किंतु सावधान, किसी मंत्र तंत्र या अलौकिक अस्त्र शस्त्र से नहीं। इस संग्राम में केवल बल का प्रयोग होगा। एवं अस्तु, संग्राम। आक्रमण। Yeah!
महासुर, देख लिया इंद्र से टकराने का परिणाम। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय। देवराज इंद्र की जय। दैत्यराज महासुर मर्दन, देवराज इंद्र की जय। वज्रपाणी, देवराज इंद्र की जय। हमारे असंख्य सैनिक असुरों के प्रहार से वीर गति को प्राप्त हुए हैं, ये हमारे लिए चिंता का विषय है देवराज। चिंता का विषय? वरुण देव, ये हमारे लिए चिंता का विषय कैसे हो गया? असुरों की संपूर्ण सेना समाप्त हो चुकी है। अब असुर कभी भी स्वर्ग पर आक्रमण करने का दुस्साहस नहीं करेंगे। देवराज, देवगुरु, प्रत्येक युद्ध की समाप्ति पर आप यही कहते हैं, किंतु ना तो कभी ये युद्ध समाप्त हुए और ना ही दैत्यों की स्वर्ग विजय की महत्वाकांक्षा। देवराज, प्रत्येक युद्ध एक नए प्रतिशोध को जन्म देता है। हाँ पिताश्री, प्रतिशोध की अग्नि कभी शांत होने का नाम नहीं लेती। देवराज, नृशंस हत्याओं के इस व्यापार को समाप्त कर दैत्यों से मित्रता का संकल्प करें। असंभव देवगुरु, असंभव। देवगुरु, इस समय हम युद्ध की वजह से उत्साहित एवं आनंदित हैं। कृपया कर हमारे आनंद और हमारे उत्साह में विघ्न ना डालें। परिणाम देखा तुमने, शुभ आज्ञा की अवहेलना का परिणाम। आज तुम्हारा शक्तिशाली शरीर भूमि पर रक्त रंजित पड़ा है। तूने अपने गुरु की बात माननी होती। महासुर, अब सब कुछ समाप्त हो गया। देव उसे संभावित मित्रता उसकी तुमने हत्या कर डाली। अरे, अपने गुरु की मर्यादा का ध्यान रखा होता तने ये तो सोचा होता कि असुरों के मृत शरीरों को देखकर तुम्हारे ये गुरु जीवित कैसे रहेगा। दैत्य जाति का ऐसा विनाश, दैत्य शक्ति की ऐसी पराजय, देवताओं के मृत सैनिकों का इस आश्रम में क्या काम? ये यहां क्यों पड़े हैं? हे शिव शंकर, ये कैसी लीला है आपकी? व्यर्थ विलाप में समय मत गवाओ शुक्राचार्य। ऐसे क्या देख रहे हो शुक्राचार्य? मैं तुम्हारा कर्म हूं। दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से। मैं दूर हो गया तो तुम कर्म भी नहीं हो जाओगे? तुम मेरे कर्म नहीं, मेरी महत्वाकांक्षा हो।
मुझे पहचानो शुक्राचार्य, मैं तुम्हारा कर्म ही हूँ और इस समय तुम्हें तुम्हारा कर्म स्मरण करवाने ही आया हूँ। नहीं नहीं, मुझे ऐसे किसी कर्म का स्मरण नहीं करना जिससे मेरी शिव भक्ति पर आ जाए, शिव आज्ञा का उल्लंघन हो। मूर्ख शुक्राचार्य, दैत्य जाति के विनाश ने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। तनिक सोच शुक्राचार्य कि शिव आज्ञा क्या कहती है। मैं कुछ नहीं सोच सकता, कुछ नहीं सोच सकता मैं। तू मुझे बता दे कि शिव आज्ञा क्या कहती है। तनिक सोच शुक्राचार्य कि मृत शरीर को जीवित कर देने वाली मृत संजीवनी विद्या जो तुम्हारी महत्वाकांक्षा से रुष्ट होकर भोलेनाथ ने तुमसे छीन ली थी, पुनः प्रदान क्यों की? तुम्हें अपनी तर्क शक्ति पर बड़ा गर्व था ना शुक्राचार्य, अब कहां गए तुम्हारे तर्क? व्यर्थ समय मत गवाओ शुक्राचार्य, मृत संजीवनी विद्या के प्रयोग से दैत्य जाति को पुनर्जीवित कर दो। इस समय यही तुम्हारा कर्म है, पुनर्जीवित कर दो। नहीं नहीं, ये भगवान भोलेनाथ के आदेश का उल्लंघन होगा। कदापि नहीं शुक्राचार्य, यदि ऐसा होता तो ऐसे अवसर से पूर्व भगवान शिव तुम्हें वो शक्ति प्रदान ही क्यों करते। सब सोच विचार त्याग दे शुक्राचार्य, दैत्य जाति को पुनर्जीवित कर, यही शिव आज्ञा भी है और यही तेरा कर्म भी। पुनर्जीवित करके असुर युद्ध उन्मादी हो जाएंगे जिसकी शिव शंकर अनुमति नहीं देते। तो जिस दृष्टि से शिव के आशीर्वाद को देख रहा है, कहीं वो शिव के क्रोध का कारण न बन जाए। अरे मूर्ख, तू कर्म विहीन हो रहा है, इतना भी नहीं जानता कि शिव कर्म करने वालों को ही प्रेम करते हैं। कर्म नहीं, शिव सत्कर्म करने वालों को प्रेम करते हैं। तो क्या दैत्य जाति को पुनर्जीवित करना दैत्य गुरु शुक्राचार्य का सत्कर्म नहीं है? शक्ति होने के उपरांत भी यदि दैत्य जाति को तुमने पुनर्जीवित नहीं किया तो भविष्य तुम्हें धुतकारेगा नहीं शुक्राचार्य। शिव आज्ञा के अनुरूप ही तुम्हारे कर्म का निर्धारण हो चुका है शुक्राचार्य, अब यह दुविधा तुम्हें शोभा नहीं देती। शीघ्र अपने कर्तव्य का पालन करो, जीवित कर दो मृत असुरों को और अपने कर्तव्य का पालन करो। अपने कर्तव्य का पालन करो। जय जय मृत्युंजय महादेव। जय जय मृत्युंजय महादेव। जय जय मृत्युंजय महादेव। जतगुरु शुक्राचार्य की जय। जतगुरु शुक्राचार्य की जय। जतगुरु शुक्राचार्य की जय। देखा आपने, भगवान शिव की दी हुई मृत संजीवनी विद्या की शक्ति पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने दुष्ट असुरों को पुनर्जीवित कर दिया, किंतु हमारे मृत सैनिकों को यूं ही छोड़ दिया। धिक्कार है, धिक्कार है देव गुरु बृहस्पति पर जो इनसे मित्रता की बातें करते हैं। धन्य है दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप धन्य है। अब हम पुनः स्वर्ग पर आक्रमण कर दुष्ट देवताओं को परास्त करेंगे। नहीं नहीं महासुर,
ऐसा दुस्साहस न करना, ये शिव आज्ञा का उल्लंघन होगा। तो क्या हम उनसे प्रतिशोध न लें जिन्होंने दैत्य शक्ति को समाप्त करने के हर संभव प्रयास किए? ये दुविधा का नहीं प्रसन्नता का समय है दैत्य गुरु, क्योंकि इंद्र के पास तो उतने देव सैनिक भी नहीं बचे जो हमारे प्रहार का सामना कर सके। अब स्वर्ग दैत्यों का है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य का है। हमारा है स्वर्ग। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। दैत्य राज महासुर की जय। दैत्य राज महासुर, मैंने तुम्हें निराश करने के लिए जीवित नहीं किया है, किंतु थोड़े समय के लिए प्रतीक्षा कर। प्रतीक्षा? हाँ दैत्यराज महासुर, इस समय का सदुपयोग तुम अपनी शक्ति के विकास में करो। अपनी शक्ति इतनी बढ़ाओ कि भविष्य में तुम्हें देवताओं से पराजित न होना पड़े। आप सत्य कह रहे हैं दैत्य गुरु, हमें दैत्य शक्ति को संगठित करने के लिए थोड़ा समय अवश्य लगेगा। मैं शीघ्र ही पृथ्वी और पाताल के शक्तिशाली दैत्यों को एकत्र करके असुर महासेना को एकत्र करूंगा, तब स्वर्ग हमारा होगा। दैत्यराज महासुर की जय। दैत्यराज महासुर की जय। दैत्यराज महासुर।